के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबर टूथ द टाइगर और मैमोथ की, जहाँ सेबर टूथ द टाइगर को आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर का पूर्वज माना जाता है, वही मैमोथ भी आज के समय के हाथियों के पूर्वज हुआ करते थे। लेकिन दोनों ही आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर और हाथी की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हुआ करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे में आज हम दोनों की प्रॉपर्टीज को जानते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और दोनों की फाइट में कौन जीतेगा। करीबन 10,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। इसका पहला अवशेष साल 1842 में ब्राजील के जंगल में मिला था। आज के समय में धरती पर पाए जाने वाले टाइगर्स इसे सेबर टूथ टाइगर्स के वंशज माने जाते हैं। लेकिन यह आज के टाइगर की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक होते थे। सेबर टूथ टाइगर का वजन लगभग 150 से 280 किलोग्राम तक हुआ करता था। हालांकि दावा यह भी किया जा चुका है कि सेबर टूथ टाइगर का वजन 480 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर हुआ करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मेन अट्रैक्शन था इसके नुकीले और बेहद शक्तिशाली दांत। सेबर टूथ टाइगर के दांत आज की टाइगर की तुलना में काफी ज्यादा बड़े और नुकीले हुआ करते थे। सेबर टूथ टाइगर के दांत लगभग 28 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे और वो अपने शिकार को इसी दांतों के मदद से पल भर में मौत की नींद सुला दिया करते थे। इसके साथ ही सेबर टूथ टाइगर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता था। ऐसे में शिकार का इसके हाथ से बचकर भागना लगभग नामुमकिन था। सेबर टूथ टाइगर शिकार के मामले में इतना खतरनाक था कि अपने साइज से दो गुना बड़े जानवरों जैसे हाथी और ऊंट को भी मारकर खा जाया करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, भाई अगर बात करें मैमोथ की तो यह धरती पर आज से तकरीबन 4000 साल पहले पाए जाते थे। इनकी उत्पत्ति भी धरती पर आज से लगभग 50 लाख साल पहले हुई थी। यह ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में रहा करते थे। मैमोथ एलिफेंटिडी डे फैमिली का मेंबर हुआ करते थे और इस फैमिली के मेंबर आज के समय में दुनिया भर में पाए जाने वाले एलिफेंट है। लेकिन आज के हाथियों की तुलना में मैमोथ काफी ज्यादा खतरनाक, पावरफुल और अटैकिंग नेचर के भी हुआ करते थे। हालांकि आज के हाथियों की तरह यह भी शाकाहारी ही हुआ करते थे, लेकिन फिर भी यह जरूरत पड़ने पर किसी भी दूसरे जानवर को मौत के नींद सुलाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते थे। अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की तो मैमोथ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उसका भारी भरकम शरीर। मैमोथ की हाइट लगभग 4 मीटर यानी कि 13.1 फीट के करीब हुआ करती थी और उसका वजन 8 टन से लेकर 12 टन तक हुआ करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक मैमोथ का जो सबसे बड़ा अवशेष पाया गया है उसका वजन 12 टन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। बड़े होते मैमोथ की हाइट हर साल 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 12.5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। मैमोथ को उसके घुमावदार ट्रंक के लिए भी जाना जाता है। मैमोथ के शरीर की स्किन इतनी मोटी हुआ करती थी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी आसानी से रह सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ इसकी मोटी स्किन उसे दूसरे जानवरों के अटैक से बचाने में मदद करती थी, वही इसका घुमावदार ट्रंक इसे अपनी सुरक्षितता के लिए दूसरे जानवरों पर अटैक करने के लायक बनाता था। मैमोथ ज्यादातर बर्फीले इलाके में पाए जाते थे, इसी वजह से इनकी बॉडी पर काफी बड़े और घने बाल हुआ करते थे जो कि इन्हें जानलेवा बर्फीली हवाओं से बचा कर रखते थे। अगर बात करें मैमोथ और सेबर टूथ टाइगर के फाइट की तो इन दोनों की फाइट में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे वजन और लंबाई के मामले में मैमोथ सेबर टूथ टाइगर की तुलना में कई गुना बड़ा है। जहाँ सेबर टूथ टाइगर की हाइट 1.2 मीटर हुआ करती थी, वही मैमोथ 4 मीटर लंबे हुआ करते थे। इनका वजन भी 8 से 12 टन हुआ करता था, जबकि सेबर टूथ टाइगर का वजन मात्र 280 किलोग्राम तक ही हुआ करता था। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ वजन और लंबाई से नहीं जीती जाती। इस लड़ाई में सेबर टूथ टाइगर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ साबित होगा उसका अटैकिंग नेचर और इसमें साथ देने वाले भाले से भी नुकीले और लंबे दांत। मैमोथ की स्किन इतनी मोटी हुआ करती थी कि नॉर्मल टाइगर के दांत शायद
स्किन को फाड़ते हुए उसे घायल कर सके। लेकिन सेबर टूथ रेड टाइगर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके 28 सेंटीमीटर लंबे दांत अगर एक बार भी मेमोथ की बॉडी में घुस गए तो मेमोथ को अपना भारी भरकम शरीर संभालने में बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन इस बीच अगर मेमोथ ने अपनी घुमावदार ट्रंक और कई टन का वजन लिए हुए पैरों से सेबर टूथ रेड टाइगर पर अटैक कर दिया तो सेबर टूथ रेड की जान एक झटके में बाहर आ जाएगी। मेरे दोस्त, सेबर टूथ रेड टाइगर के लिए 8 टन का मेमोथ का वजन सहन करना नामुमकिन है। लेकिन सेबर टूथ रेड टाइगर बहुत ही फुर्तीले और चालाक जानवर हुआ करते थे। वे शिकार करके ही अपना पेट भरते थे और उसे यह बात अच्छे से पता है कि शिकार को कैसे धाराशाही करना है। जबकि इस लड़ाई में मेमोथ शुरू से ही डिफेंसिव मोड में रहेगा। ऐसे में सेबर टूथ रेड टाइगर अपनी फुर्ती और चालाकी से मेमोथ को निश्चित रूप से अपना शिकार बना सकता है। बहुत कम ही ऐसे मौके होंगे जब फुर्तीला सेबर टूथ रेड टाइगर मेमोथ के पैरों या उसके घुमावदार ट्रंक के निशाने पर आएगा। और मेमोथ के पास ट्रंक और उसके पैरों के अलावा और कोई औजार नहीं जिसकी मदद से वह सेबर टूथ रेड टाइगर को धूल चटा सके। तो हमारे अनुमान से इस लड़ाई में 95% चांसेस यह है कि जीत सेबर टूथ रेड टाइगर की होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपके हिसाब से इस जंग में जीत किसकी होगी यह हमें कमेंट करके जरूर बता देना। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें वाइल्ड लाइफ हमारा चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।